मन की चीज है, मन दृष्ट मान नहीं पर अदृष्ट दृष्ट नु काबू करी बैठा है। मन दिसदा नहीं पर अन दिसदे ने दिसदे कोई नु पकड़िया हुआ है। दिसदा नहीं, जे दिसदा होवे ते असी इहदा प्रबंध ना कर लेंदे। अज मेडिकल साइंस बंदे दे दिसदे कोई अंग ते अन दिसदे जिहड़े शरीर च अंग ने उन्हां सारिआं ते खोज कर दी पई है। पर जे साढ़े शरीर दे अंग किते बीमार हुंदे ने उन्हां नूं बदलिया जा रहा है, उन्हां दी दवाई राहीं उन्हां दी मुरम्मत की जा रही है, ओपरेट किया जा रहा है। प्यारे जे मन किते दिसदा हुंदा मशीनां ला के लोग इहदी मैल भी धो के साफ कर देंदे। इह दिसदा नहीं, अन दिसदा दिसदे नूं काबू करी बैठे। इह मैं पिछले दिन ही कहा कि मेरिया अखां दिसदियां ने पर जदों किसी चीज नूं मैं देखना मैं इक्को शब्द कहना वा कि मैनूं वेख के अज मन बागो बाग हो गया, मन नूं ठंड पै गई दर्शन करके। गुरमुखो दर्शन साडियां अखां ने क्रिया कीती पर ठंड उहनूं पै गई जिहड़ा दिसदा नहीं। सच एवें उह मन इक फुरना है, उह ख्याल साडियां अखां विच वरत के जो कुछ देखिया जा रहा है उहदा सकून उह महसूस करदा पिया। देख दिया अखां ने ठंड मन नूं पैंदी, सुन दे कन ने आनंद मन नूं हुंदा, बोल दी जबान ने आनंद मन नूं हुंदा, खांदा सदा मुख है। ते असीं कहिंदे अज भोजन छक के मन नूं आनंद आ गया। मैं बेनती करना हुंदा दृष्ट मान नूं अदृष्ट एक एनर्जी है जिहड़ी सारियां थावां ते विच वरदी। इहनूं भाई साहिब ने लिखिया गुरदास जी ने कि अखी अंदर वेखदा कर चोज विडाणा, कन्नी सुनदा सुरत कर आखाण वखाणा, जीवह अंदर बोलदा बो साध लुभाणा, हकी किरत कमांदा पग चलै सुजाणा, देही अंदर एक मन इंद्री परवाणा। बस इस तुक नूं सुण, कौन वेखदा अखां चो, कौन सुनदा कन्नां चो। उह कहिंदा देही अंदर एक मन इंद्री परवाणा, एक मन है जिहड़ा सारियां इंद्रियां ने स्वीकार कर लिया। इह वी मदद कीती कि गुरु ग्रंथ साहिब च मन की बड़े कमाल की व्याख्या की। यदि कथा तकरीबन कभी कोई दो चार दिन लगातार नहीं होंगी क्योंकि यह भी चाहता मेरी गल घाटी हो क्योंकि मैं मरांगा जी गल मेरी करनी। तो एदो वड्डा चालबाज, एदो वड्डा धोखेबाज, एदो वड्डा सच्ची गल ए कि बंदे ठिब्बी लाने वाला कोई नहीं जिन्ना यदा मन है। एदो वड्डा मित्र, एदो वड्डा स्नेही, एदो वड्डा यार कोई नहीं जिड्डा वड्डा मन है। यही कारण गुरु ग्रंथ साहिब मन नूं मैला कहिंदे आ, नाल कहिंदे नहीं मैला नहीं रब दी अंश है। ए मन शक सीओ जिहड़ा पढ़ने का मम्मा मन सो काज है, मन सा दे सिद्ध होए मन ही मन सो कह कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। ए मन शक्ति, ए मन सीओ, ए मन पंच तत् को जियो, ए मन लै जो उन मन रहे तो तीन लोक की बातें कहे। हुण कबीर साहिब गुरु गुरु साहिब दा एक बचन है, मन जोगी मन भोगिया, मन मूरत गवार, मन दाता मन मंगता, मन सिर गुर करता। ये निर्मल भी है, ये मैला भी है, ये प्रकाशमयी भी अंधकारमयी भी है। मेरे तुहाडे नाल तकरीबन असीं देखने साडे नाल रोज वापरदा, कदी ये निर्मल हो जांदा कदी मैला हो जांदा। मैं तो एक दिन उदाहरण दित्ती सी, इस वक्त हनेरा है ऐ साडी धरती ते जिथे आपां बैठे, पर पूरी जमीन ते हनेरा ते नहीं ना, कुछ हिस्से ते अंधकार है। ये 24 घंटे चली जांदा सर्कल हनेरे ते चानण दा, पर इंडिया विच इस वेले चानण है, इतने हनेरा है। बस आई एक समझन की गल कह, पूरी नहीं मन समझ सके कि धरती घूमती है, जिहड़ा पासा सूरी तो दूर है उत्थे हनेरा है, जिहड़ा सामने वह चाननी। गुरमुखो यह भी सर्कल च घूमी जाता है, जो घूमता कभी बाणी अगे आ जाता उदो चानण हो जाता है, जो दूर चल जाता फिर हनेरे च डुब जाता। ये कहानी इस तरह है सारी। मैं सिर्फ आना विसरे शब्द से, मन विशा नहीं मेरा अज का, मन सिर्फ एक फुरना है, मन फुरनिया की एक गंढ है, एक पोटली है, निरंतर निकलते ने
एक बार किसी सी जिस बंदे नु शौक इस गल दा चाक है मन की है सहसा की है नाम की है खौमे की है बुद्धि की है मत की है प्रेम दियां केड़ियां अवस्था ने एक किताब प्लीज जरूर पढ़ियो उस किताब का नाम है गुरमत मनोविज्ञान डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी हुनी चलाना कर गए उन्हां दी लिखी किताब है ते मेरा ख्याल अज तक सिखां विच हंकार नहीं शब्द कह रहा मैं अज तक सिखां दे विच जे किसे ने अध्यात्मकता नाल जुड़े कोई लफ्जां दी व्याख्या कीती ते एक भी लफ्ज गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी तो बाहर रिहा ही नहीं जिन्ने पेज ने उन्ने चैप्टर ने 238 के 40 पेज ने उस किताब ने ते मैं तां बेनती कीती भी एक किताब पढ़ेगा जिन्हों गुरबाणी दा अभ्यास कह उहदे विच सारा दस्या मन की कह मन दियां की कलाबाजियां की कुछ कर लै मन ही सिर्फ एक फुरना है ते याद रखो जे शब्द नूं आपां पढ़ने पए शब्द विच गुरु दे अंदरों निकलिया होया ख्याल है इस ख्याल नूं आम ख्याल ना समझना अंदर सुरत राही अंदर अनुभव विचों प्रकाश होया गुरु ने उन्हूं अखरां दा रूप दे दिता सच एवे कि यह अखरां नाल गया होया मेरे तुहाडे विच ज्ञान साडे शरीर का खात्मा हो जाएगा पर गुरु का ज्ञान साडे मन दे नाल भी अगे चलेगा ज्ञान अखरां दा केवल मुथाज नहीं ताहीं क्या गुर का बचन बसे जी नाले शब्द वरते हैं मन फुरने पैदा करता है ये औखा लगेगा थोड़ा जा विशा पर मेरी बेनती जे प्लीज इस नूं आपां थोड़ा जा टुब्बी मारीए गुरु ग्रंथ साहिब च क्योंकि असी सिर महाराज नूं मत्था टेकने मैं अपनी भी गल करांगा मैं साखी शुरू कर लांगा तुसी एक खिण च तुहानूं समझ पै जाएगी तुसी बाहर जा कह गया साखी सुनाई पर नहीं गुरु ग्रंथ साहिब च तत् ज्ञान है मन सिर फुरने का नाम है उस तो अगे भी साढ़े अंदर बुद्धि जिन्हों मत किया मन फुरना बनाता है तो जिहड़ी साड़ी मत है वह फुरने के उपर निगरानी करती उपर चोल करती भी जिहड़ा यह पैदा करी बैठा कला बैठा यह जे कर्म बन गया तो माड़ा होगा कि चंगा होगा इस गल नूं सुनियो ध्यान नाल हालांकि असी रोज अरदास से शब्द तुसी भी कहिंदे हो सिखां दा मन नीवा इहदे अर्थ की ने कदी किसे पुछिया भी जिहड़ा रोज तुसी कहिंदे हो सिखां दा मन नीवा मत उची इहदे अर्थ की ने ओह अरदास वाले ने लिखारी की फोटो लिख दित्ती बना दित्ती मन नीवा मत उची हुण भाई साहब गए कईआं दे हत्थां च कलम उहनां दी जिन्नी मत भ्रिश्टी रहि रब दा नां हुण मत की चीज है मन फुरना बनांदा तुसी देखो तुहाडे मेरे नाल सब कुछ वापरदा आप जी बाणी पढ़ दे सिमरन कर दे संगत भी जान दे मन किते भैड़ी संगत चला गया भैड़े लिटरेचर चला गया भैड़ी दृष्ट मान स्क्रीन ते कोई चीज देख ली इको दम मन ने गंदे फुरने बनाए जो फुरना बनाए उत्ते मत सी उन्हें कहा शर्म कर अज सवेरे गुरुद्वारे की सुन के आया उन्हें कहा चल पिछा मन अपने आप नूं दान तां पाउण लग पैंदा मैं बेनती करांगा मत निरीक्षण कर दीए परचोल कर दीए जिन्हां लोकां दी मत परचोल ओही कर सकदी है जिहदे सिर दे उत्ते गुरु दा शब्द होवे शब्द नाल प्रेरित होई मन मत कदी भी मन नूं गंदिया नहीं होण दिंदी प्यारो जिस मन मत उत्ते मन हावी हो जाए वह मत मलीन हो जाती है इहनूं थोड़ा जिहा फिर मैं अपने मन नूं समझाउण लई कहांगा मैं तां इह टॉपिक शुरू कर लिया तुहाडे चेहरे देख के नहीं तो मैं विशा नहीं शुरू करना मैं लगा भी संगे सिरा हिलाते ने का मतलब मेरी गल समझ पैंदी पई मैं तां ही शुरू किया नहीं तो मैं तो बाबे नानक नूं शुरू कर लाने जनू वाली साखी दो दिन निकल जाने संगे आराम नाल तो तुसां भी खुश आ जाने ब्राह्मण की चंगी छिल लाई पिंदरपाल सिंह असी गुरु के शब्द नूं दवैश च लैके अर्थ करने गुरु कदी दवैश च नहीं हुंदा याद रखियो जे गुरु ने किसी का माड़ा करना हो लफ्ज मेरी जबान सर जे गुरु तो माड़ा कर दी नहीं जिदा माड़ा करना कुराए पाया जाता है बामन तक कुराए पाए गुरु ने राह पा दिता माड़ा थोड़ा किया उन्हें कहा वेख तू आगू है तेरा हाल की हो गया मैं फिर बेनती करा मन फुरना बनाता है मत ओदी निगरानी करती है ये की हो रहा है जिन्नी किसी की मत विच गुरु की शब्द गुरु की मत होगी उन्नी ओ मत पवित्र होगी उदाहरण थोड़ी जी एक होर मैं दे देना
गुरु ग्रंथ साहिब च एक शब्द हुंदा कबीर जी का शब्द है जी, पहली करूप कुजात कुलखनी सौरै पई है बुरी, अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर धरी, भली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी। कबीर साहब का शब्द, एक और शब्द ही उन्होंने, मन की ते मत की कहो कबीर प्रगट पी खेड, लेले को चूंगा ने पेड़े दे अर्थ की है। अखरी अर्थ ने कबीर साहब दे शब्द दे कहिंदे ने परमात्मा रहाओ दी तोके भली सरी चंगा हो गया की जी, मुई मेरी पहली बरी, बरी लफज बरी तो वर तो ना, बरी दर्थ जिन्हों व्याह के लिया लाड़ी इस्त्री बहुटी पत्नी, कहिंदे ने परमात्मा अज मैं इन्ना शुक्र करना तेरा जिहड़ी पहला मेरे नाल व्याही सी अज मर गई। अखरी अर्थ है क्यों मर गई, क्यों खुश हो तुसी, कहन लगे उहदा चेहरा बड़ा भैड़ा सी, जात दी चंगी नहीं सी, लक्षण बड़े गंदे सन उहदे, ते एडी नकम्मी सी, सहुरे घर विच भी फटकारां खादियां ते पेके घर विच भी ताने सहिंदी रही। पहली करूप कुजात कुलखनी सौरे पई है बुरी, करूप कुजात कुलखनी, रूप चंगा नहीं जात चंगी नहीं, भैड़े लक्षण सन सौरे घर विच ते पेके घर विच बुरी बनी रही, इहनू किसे ने चंगिया ना किया। कहिंदे ने अब की स्वरूप सुजान सुलखनी, हुण जिहदा जिहदे नाल विआह होया उह सुंदर है सुजान है चंगे लक्षणां वाली है। कहिण लगे सहजे उदर तरी, उदर दा लफ्ज़ी अर्थ वैसे पेट हुंदा ना, इहदा मतलब इह वी मैं उहनू अपने सीने विच टिका लिया, परमात्मा हुणे मरे ना, जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी। हुण अखरी अर्थ में कर दित्ते ने, इहदे अर्थ वी मत ने, जदों मैं गुरु को नहीं गया मैं आप खुदरापन करदा सा, मेरी मत करूप सी, इन्ना मैं अपने झूठे ज्ञान नूं अपनी मंदी अकल नूं इन्ना नेड़े रखदे सा जिवें अपनी परनाई होई इस्त्री नूं कोई रखदा, करूप सी कुजात सी भैड़े लक्षण सन। जदों गुरु कल गया ने कृपा कीती पहली मर गई, हुण जिहड़ी गुरु मत दित्ती है मेरे दाता जुगां तक जिउंदी रहे। हुण इह लफ्ज़ तां मत नाल संबंधित ने, पहली करूप कुजात कुलखनी सौरै पई है बुरी, अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर धरी, भली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी। दूजा बचन, लेले को चुंगा नित भेड़, भेड़ का लेला हुंदा ना ते बकरी का मेमना हुंदा, हुण तां न्याणिआं नूं तां पता ही कोई नहीं लगना, मैं उस दिन भी कहा इत्थों की गल छड्डो पंजाब च कोई नहीं पता, उन्होंने यही कोई नहीं पता होंगे झोना केड़ा ते कणक केड़ी, उन्होंने बाने आटे सीधा लगता है। सच जे मैं तां कदे ना अपने शब्दावली नूं अपनी वकैबलरी नूं मरन ना दिओ, गुरु ग्रंथ साहिब ने जे समझ पैना जे पंजाबी जबान मार के घरां च पंजाबी बोलीए आपां साडी किन्नी कु वकैबलरी रह गई। मेरा 50 शब्द ने जिहड़े रोज घर पढ़े जांदे, इतों न्याणिया विचारियों की होर बड़ी मुसीबत, इन्होंने तो रारा ही नहीं बोलिया जाता, बड़ा जोर लाओ तुम नहीं बोल सकते। आ हिंदू लफ्ज भी तां बनया सी, वो सिंधु नहीं सन कह सकते, ससा नहीं सी बोलिया जाता, हरियाणा हिंदू क्या सिंधु, देखो कितने लफ्ज चेंज हो गया। मैं बेनती करांगा कि गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र बाणी चो जो अर्ज करना पाव कि हजूर ने आ जरा शब्द वरत्या, लेले को चूंगा नित पेड़ है, यह तां मैं वरत लिया, चलो पंजाबी दे मरदे शब्द जिन्हें हालांकि पटियाला यूनीवर्सिटी ने कमाल कर दिती, पोठोहारी शब्द दुआबी शब्द आ लहिंदी दे शब्द, यह सारे शब्द माझी दे मालवे दे उन्हां सारे वक्रे वक्रे कोश बना दिते, कश्मीरी दे डोगरी दे सारे शब्द उन्होंने वह खरीदने वाले ने ग्रंथ उन्होंने बड़े बड़े शब्द ऐसे आ जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब च वरते गए आ, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दे गुरमुख बैठे जिन्नी देर तक बहु भाषा का ज्ञान नहीं गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द दे अर्थ ही नहीं होने, शब्द ही वैसे ने कई। पिछले साल मैं उत्थे बेनती की सी रिचमनिल, एक शब्द आंदा जी मैं थोड़ा एक खिन विचों निकलिया रवांगा प्रसंग च, पढ़िया होवे गुनाहगार, गुनाह नहीं गुनाहगार तां ओमी
साध न मारिए। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ ये दोवरी शब्द इथी आया, बाकी किते नहीं आया। पढ़िया अतः ओमिया ओमी ओमिया। हुण आम बंदा जो पढ़ता उहदे मन च यही आउंदा भी ओमी किते ओम तो नहीं बनिया। पढ़िया होवे गुनाहगार तां ओमी साध न मारिए, पर अर्थ सारे टीकाकारां ने यही किया जी अनपढ़ अनपढ़ अर्थ किया। दास पिछले दिन जदों आसा की वार की कथा बहुत समा चली है पीटीसी ते मन से भी अनपढ़ शब्द क्यों हो गया, ओम चो चित निकले ये शब्द कितों आया। तो जदों शब्द की गहराई च लभया कोश नूं ते असल च ओमी शब्द बनया अरबी दे ओम शब्द तो। ओम दा अर्थ अम्मा मां, जिहड़ा फारसी विच अगे उर्दू च दे उर्दू च खास करके अम्मा शब्द वरतने। मारे ने भी वरत्या गुसाई महंडा इठड़ा अम अबे थावो मिठड़ा। हुण ओम दा अर्थ है मां, ते मेरी रुचि होर वध गई भी मां ते अनपढ़े दे अर्थ की होए। ओम शब्द मां, अरबी दा लफ्ज मां, ओम मां, फिर एदी व्याख्या गुरमुखा कीती हो कह लगे लिखिया वना असल च अरबी विच ओमी ओनू कहा जांदा है कि जेड़ा मां दी कुक चो जन्म लए उहदे फादर दी डैथ हो जाए बचपन च। ओमी कौन हुंदा? बाप दी मौत हो गई, बच्चे दा जन्म होया, सारी जिंदगी मां उहनू पढ़ा ही नहीं सकी। इहदा अर्थ है जे उह जां मां दे ढिड चो जम्मिया हो जां मर गया उहनू ओमी कहिंदे। हुण देखो तुसीं लफ्ज़ कित्थों दा, ते बाबा जी ने आसा दी वार च कमाल कर दित्ती, बाणी धुरकी च फिट कर दित्ता। मैं तां बेनती कीती जी इह इसे करके जिहड़े शब्द ने साडे बड़े पुराने नहीं वरते जांदे। साडे मुल्क दा इक प्राइम मिनिस्टर सी, चलो तुहानूं पता ही सिखां नाल बड़ा कुछ उहने कीता, इंदिरा गांधी। जदों सब ठीक सी उदों किते गई उत्थे राजस्थान के शायद उत्तर प्रदेश, उत्थे जिमीदारां ने जां कहा भी जिहड़ा साडा गन्ना बीजण सी उह चंगा नहीं निकलिया। मेरा इत्थे वी नहीं समझ पैणी कईआं नूं, जिहड़ा गन्ना बीजण सी उह चंगा नहीं निकलिया, जिहड़ा मोढा सी उह चंगा निकलिया। क्योंकि जदों आपां गन्ना बीजने आ ना, आप नूं पता है भी गन्ने दे टुकड़े बीजे जांदे ते उहदे विच गंढ हुंदी गन्ने। चलो गन्ना तां आपां वेखी, उहदी पोली दे विच गंढ हुंदी, गन्न विच उहदा अंकुर निकलदा, निक्की जिही अख बणी हुंदी। ते इक दिन मैं बेनती कीती सी बाकी सारा ही मिठा हुंदा, जिथे गंढ पै जांदी उत्थे मिठास वी मुक जांदी। चेते रखियो गंढा च कदी मिठास नहीं हुंदी, जिस दे अंदर गंढ पै जाए मिठास उहदी वी मर जांदी है। उह फिर जदों बीजदे आ उह साल बाद उहनूं कट लिया जांदा, पटदे नहीं, थल्लों टोका मारिया कट लिया, उहदे विचों दूजा अंकुर निकल आउंदा, उहनूं कहिंदे मोढा। ते जिहड़ा पहली वारी बीजिया जांदा उहनूं कहिंदे बीजड़। उहनां शब्द वरतिया जी भी जिहड़ा बीजड़ सी उह इन्ना चंगा नहीं निकलिया, मोढा चंगा निकलिया, उह कहिंदी मोढा बीजिया करो। उहनूं पता ही नहीं भी मोढा बनदा कदों। मैं इस करके बेनती कीती आ जिहड़ा कहो कबीर प्रगट पई खेड लेले को चुंगा नित पेड़। लेले दा अर्थ है मन ते पेड़ दा अर्थ है मत। उल्टी खेड वापर गई। सच एवे कि मत जिहड़ी उह लेले नूं चुंगदी पई है, इहदा अर्थ है मत इन्नी भैड़ी हो गई मन दे हर फुरने नूं मनी जा रही है, इहनूं चुंगदी पई है। मैं फिर बेनती करांगा कि मन फुरनी पैदा करदा है, मत इहदी निरीखण करदी है। जिहड़ा शब्द कमांदा है, बाणी सुणदा है, संगत करदा है, उहदी मत उत्ते गुरु दी छाप अवश्य लगदी है। जिथे किते मन थिड़कदा होवे फुरने माड़े बणाए, इको दम मत उत्ते खलो के कहिंदी ना इहो जिहा काम ना करी, मैं गुरुद्वारे वे कोई सुन के आई हां। मैं बेनती कीती मन फुरने बणांदा है, बुद्धि मत इहदा निरीखण करदी है, चित जिहड़ा है ਇਹ ਇਹ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵਿਸਰਾ ਨਾ। ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਤੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਗਮਨ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸਭ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਤਿੰਨ ਮਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਮਲ ਮਨ, ਮੈਲਾ ਮਨ, ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਮਨ, ਬੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਈਵਨ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਚੰਚਲਾ ਮਨਾ, ਪਿਆਰਿਆ ਮਨਾ, ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ।
ए मन चंचला चतुराई कहना पाया। ए मन मेरिया तू सदा रो करनाले, ते गुरमुखो अगे क्या ए मन प्यारिया तू सदा सचमल। प्यारा चंचल मेरा सुन मन अंधे कुत्ते कूड़िया। दूजे पासे क्या नहीं, ए मन रूड़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ा। किन्नी बख्शिश की सतगुरु ने बाणी च। हुण जिहड़ा सदा चेतक है, जो असी देखिया जो असी सुनिया जो असी दृष्ट मन च तकिया वह साडे सचमुच चित भी चला गया। तो यही गल वो कहिंदे ने कि चित विच गई हुई चीज एक कई जन्मां तक साडे अंदर ना रिश्ता बना के रखती है। क्यों? गुरु ने कहा कि मैनू नाम ना विसरे, मैनू साई ना भुले। मैं ये गल त शुरू की क्योंकि ना विसरे गब्बर गहरे अर्थ ने। हुण चित विच गई हुई चीज स्टोर हो गई। तो कई बार असं देखने सानू लगता असं भुल गए पर भुले नहीं। असं कोई गल असी चेते करनी तो इस अमेरिका की एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होने उन्होंने एक किताब लिखी सी मैनी मास्टर मैनी लाइव्स, शायद पढ़ी होनी है किसी ने। यहूदी ते क्रिश्चन दोनों डॉक्टर ते अपनी ओदी अगे मरीज ओ ध्यान ही पिछे लैके जांदा सी ते ओ इत्थो तक बैकल जाके चेते नूं भी जिथे बंदे नूं बचपन च कोई मुश्किल जिवें डर जाना पानी नूं वेख के अग नूं वेख के ओ ध्यान च बैकल जांदा हुंदा सी पिछले पासे पिछले बीती जिंदगी च। ते जिथे जाके ध्यान च ओ बंदा डरदा सी उहनूं विचों कढ दिंदा सी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿਛਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਤੁਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਵੀ ਇੰਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਮੈਨੀ ਮਾਸਟਰ ਮੈਨੀ ਲਾਈਵਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। सवाल ही नहीं पैदा होंदा ना निकले। असी पहाड़े पढ़ते रहे हैं जी तकरीबन हर क्लास विच पांच पांच तकरीबन पांच दा पहाड़ा अगर अगले साल दस दा पहाड़ा दस तक एक एक घंटा सानू पहाड़े पढ़ाने तुसी पढ़े होने। मेरा ख्याल जिहड़े पंजाब पहाड़े पढ़ाए हुण जिस बजुर्ग की उम्र 80 साल उन्हें पुछो बापू 16 तिया वह कहेगा 48। इतों के न्याणे पिछो कहेगा कैलकुलेटर लिया। ये असलों की गल नहीं। असल च की उन्हें जबान नाल इन्ना कुछ जपया इन्ना कुछ जपया उहदे सब कॉन्शियस माइंड भी चला गया। वो 80 साल का हो के भी कहना मैं चेता है मेरे अंदर एवे मैं कभी अंदर पाया सी सच एवे कोई मरिया नहीं जो उन्हें जपया है। गुरमुखो जे एक पहाड़ा जबान नाल जपया साढ़े जिंदे जी मरण तक अंदर रहिंदा है। जिन्हें गुरु का शब्द जप लिया मरण तो बाद भी शब्द उहदे विचों कदे नहीं निकलदा। बेनती कहन एवे नहीं समझना भी हमें वाहगुरु वाहगुरु कराई जाते बाबे। हुण वह जरा चित है वह बीतियां यादा नूं लैके बैठा यह सिर मनुख कोल बड़ी। हाँ एक बंदे को चित की बड़ी ताकत है दूजी पूंज को चित की बड़ी ताकत है। तुसीं इह वी शब्द रोज गुरु ग्रंथ साहिब च पढ़दे काहे रे मन चित वै उदम जां आर हर जीव भरिया सैल पत्थर मैं जंतु पाए ताका रिजक आ गए कर तरिया। ये शब्द है जी के उड़े उड़ आवे सै कोसा तिस पाछे बचरे छड़िया। और अखरी अर्थ थोड़े जे कर देना उड़ के सै कोसा सैकड़े को कूंज दूर आ गई पर बच्चे नहीं लैके आई। तिस पाछे पिछे छड़ी तिस पाछे बचरे छड़िया छड़िया दरते छड़िया छड़ आई तीन कमन खलाव है जिन्होंने छड़ के उन्होंने दाना कौन पाएगा फीड कौन देगा। तीन कमन खलाव है कमन चुगाव है। गुरु अर्जुन साहब कहने हां चेता खवाएगा मन में है मन च सिमरन किया। इतने सिमरन का अर्थ वाहगुरु सिमरन नहीं बिल्कुल ये अर्थ वाहगुरु सिमरन नहीं मन में सिमरन करिया। कूंज ने बच्चा पिछे छड़ दिता जदो दाना मूंह च पाया इको दम अपने चित विचों नूं बच्चा चेते आ गया दाना कूंज ने खादा एनर्जी बच्चे भी चली गई। चुगे चितारे ये गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द ने जी।
चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे। गुरमुखो जे एक कूंज चेते कर दी अपने बच्चे नूं ते कूंज दी एनर्जी बच्चे भी चले जांदी है। बच्चा मां नूं चेते करदा ते मां नाल उहदा रिश्ता बणदा है। सिख किते भी बैठा होवे जो मेरे गुरु नूं चेते करेगा गुरु की एनर्जी सिख भी जरूर जाएगी। सवाल ता ही सिख कहिंदा सो सतगुरु प्यारा मेरे गुरु ग्रंथ साहिब तां कारज रख के नहीं कदी लै गए। चेता है जिहदे नाल गुरु जांदा है ते नाले गुरु केवल जिउंदे जी तक थोड़ा। वाहिगुरु जी इस शब्द नूं भी सुणियो केवल गुरु। तुसीं काबल तो मेरा ख्याल काफी संगत आई है ना ते भाई गोंदे की साखी की है कि वह चेता नहीं किन्नी दूरी है। अजे दिल्ली तुहाडे मंजी पई है भाई गोविंदा जी वाली। अस चलो असर तो ज्ञानियों ने खंडन कर दिया ना जी ये किवें हो सकता है जी। वो मैं सुनाई है साखी मैं दुख लगा इस चीज़ का। एक ज्ञानी ने फोन करके क्या उन्होंने गोडिया की ग्रीस मुगी से बैठा रहे। यह हाल है साढ़े लोगों का नहीं प्यारे हो सुर की खेड है। जे एक पंछी का चेता बच्चे एनर्जी दे रहा है गुरु का चेता क्यों नहीं देगा ताकत। इस गुरु रामदास ने भी कहा जैसे गगन फिरंती उड़ती कपरे बागे वाली। ओ चीत राख है पीछे बिच बचदा नहीं ते खिरदा सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखे जी नामी। चेते च बड़ी वड्डी ताकत है। जो असी जाप रहे हाँ जो असी बोल रहे हाँ जो असी सुन रहे हाँ इवन के गुरमुखो जेड़े फुरने रोज मन विच बंदे ने वह भी साढ़े चित जाणगे। यही फिर चित का फुरना फैसला करेगा तेरा अगला जन्म खेड़ा है। अरी बाई गोविंद नाम मत विसरे। देखो विसरे शब्द बाबा जी ने पहला शब्द वरत्या मेरे मन से अज सतगुरु कमाल कर दिती। पहली को बेनती की कि सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसरना चाहे मैं विसरे ना भुले ना क्योंकि जो कोई चित जाएगा वह साढ़े अगे भी फैसला करेगा बंदा कैसा। मैं एक छोटी जी घटना कह के समाप्ति करांगा पर लड़ी नूं कल मुकम्मल करांगा। भाई मनसुख गुरु नानक साहब दे सिख होए आप सब नूं पता है ते उस गुरमुख प्यारे दे अपने जहाज चलते सन किड्डा अमीर सी उहदे जीवन नूं पलटिया सी भाई भगीरथ ने मरसिया पिंड जी पंजाब च सुल्तानपुर दे नज़दीक। भगीरथ सुल्तानपुर गुरु नानक साहब के चरणा जाया यह मानता सी देवी नूं पूजदा सी काली दा पुजारी सी पर संतुष्टि नहीं कोई। कहिंदा सुपने विच कहा जांदा है कईआं ने कहा भी चलो दृष्टमान उहनूं इक्को फुरना आया जिहड़ी भुख लै के तू मेरी पूजा करने मेरे पले नहीं हो कुछ तेरे नेड़े गुरु नानक रब दा नूर उहदे चरणा च आ जा। भाई भगीरथ उत्थे आए भाई साहब ने लिखा गुरदास साहब ने जिक्र किया काली का भगत सी भगीरथ अपनी वारा च वो आए गुरु नानक साहब का दर दे कीर्तन सुनिया हजूर की संगत की। हजूर ने उन्होंने भेजा गरीब कई भाई मरदाने की बेटी कहें कई ब्राह्मण कहें बस सीधी गल मैं कहना भी लोड़वंद की बच्ची का विआह सी मैं गरीब ही ना वरता क्योंकि शब्द आप क्यों गरीब कहना लोड़वंद कह दी सौखा है। ते एक गल दे मैं ये मेरी ईगो समझ लियो मैं इस चीज़ के बर खिलाफ हाँ कि असी कहने असी गरीबां दियां कुड़ियां दे विआह कर लिया। चेते रखियो बेटी बेटी हुंदी है अमीर दी होवे गरीब दी होवे ये लफ्ज़ ना क्या करो गुरुद्वारे च गरीबां दी धी असी शोषण करने उन्हां दा ते फिर दो किस चीज़ का लगता है। असी मैं देखिया पंजाब चौंकां च वड्डे वड्डे बोर्ड लगे आ फ्लैक्स लगी वह कट्ठे विआह ने जो पल्ले फड़ाए ने साल पर लिखा जाता गरीबां गरीबां का विआह गरीबां लड़कियां। मैं कहना कोई पुछण वाला होवे बंदे दे पुत्रो यह गुरु घर च कित्थे कहा गया भी किसी बंदे की गरीबी का शोषण डाओ। गुरु ने कहा नीचा अंदर नीच जात नीची हुआ तनीच। महाराज ने कहा मैं उन्हां नाल खां जिन्हां का कोई भी नहीं। नहीं गुरमुखो सिख परदे ढकदा हुंदा सिख चौंकां च कदी प्रदर्शन नहीं लांदा हुंदा। मैं कहा कि गुस्सा ना करो इस चीज का गलत गल लोड़वंद है लोड़वंद कोई भी हो सकता है। हजूर ने कहा यदि बेटी की शादी है उन्हें कहा महाराज मैं आ कोई धीरू देना। गुरु साहब कहते रो ना
जो तीन देना मैं तेन दियांगा। चलो कोई समान सी उस वक्त सदा इतिहास कहता है भाई भगीरथ नूं क्या लाहौर जा समान लैके आना एक रात तो वध नहीं रहना सिर्फ एक रात लिखे वह गया उन्हें समान खरीदया पर चूड़ा कोई नहीं मिलिया। हुण वाहिगुरु सिंघो की अनर्थ कर लियो भाई साहब कह गए ते सरबलू दे कड़ा क्यों नहीं किया। मैं पहले जामे की गल करना फिर क्योंकि उस वक्त यह पांदे समझी चूड़ा नहीं मिलिया घूमया फिर अखीर ते भाई मनसुख कोल गया। भाई मनसुख ने भाई भगीरथ दे कोल बैठा उन्हों ठंड पई ते सत संगत कोई जरूरी नहीं कि कथई बोल के होंगी कीर्तन बोल के होंगे जिस बंदे दी अंदर दी सुरत शब्द विच डुबी हो ना वो चुप करके भी बैठा हो बॉडी का औरा भी सानू चेंज कर जाता वह भी सत्संग बन जाता वह कोल बैठा कि ठंड जी पई गल्लां बातां शुरू हो गई। भाई भगीरथ बार बार नाम की गुरु की गल करे मनसुख इन्ना प्रभावित होया उन्हें कहा तू आया कितों दस्या उन्हें भी मैं सुल्तानपुर तो आया गुरु नानक साहब ने भेजे मेरे मुरशद ने। मनसुख कहता एवं भुलेखे तुरिया फिरना इतने बड़े पखंडी तुरे फिर कहता नहीं वह कहता भी एक चूड़ा लेना से लभा नहीं। मनसुख कहता मेरी बेटी वास्ते मैं बनाया तो मैं चूड़ा तेन दे दाँगा एक रात असी कट्ठे रहिए उन्होंने घर रात टिके सवेरे इन्नी तब्दीली होगी मनसुख वर्गा व्यापारी नाल जल चल पे आ है प्रचार सिखी का दीवे तो दीवा बन गया नाल चल पिया भाई मनसुख रस्ते च बातां करी जान। चलो मैं वार्तालाप नहीं सुनावांगा की कुछ क्या बड़ी गल्लां परमार दियां हैं उन्हें गल कही कहिंदा भी जिस मुर्शद नूं तू मानना वह कितने बाहर जाण नूं कहेगा परिवार छड्डण नूं। भगीरथ कहिंदा बिल्कुल नहीं कहिंदा फिर की करदा वह कहिंदा कितने घर नहीं छड्डांदा वह घर विच बैठिया नूं दातां देई जांदा वह कहिंदा इह कीवें हो सकदा घर च बैठिया। भाई भगीरथ कहिंदा है जिस जमीन ते आपां तुरने पए इहदे थले पाणी है पर जिहनूं कढ़ण दा नहीं पता वह प्यासा जमीन उत्ते मर जांदा है जिन्हों कढ़न की जाच आवे खूह पट के पानी कर लेंदा। कहिंदा बस गुरु ने दास दित्ती चल पे भगीरथ नूं नहीं दस्या हुण बंदे का दुविधा च मन हुंदा ना भी किसते मैं चलना इको फुरना बना लिया कहिंदा जे ये नहीं दस्या भगीरथ नूं जे मेरा नाम लैके आवाज मारी फिर मैं समा जावां पूरा पर हालांकि ये भी कोई पैमाना नहीं हुंदा पर उहदा पैमाना सी जे मेरा नाम लैके आवाज मारी मैं मन्नागा पूरा। चले गए अंदर भगीरथ ने नमस्कार कीती ते जदों मनसुख अंदर वड़िया झुकन तो पहले बाबा जी कह झुकी बाद विच पहला मैनूं दस मापिया ने नाम मनसुख रखिया कदी मन दा सुख वेख्या भी आ पहला शब्द कहिंदे नाम दे अर्थ भी जाणना पीस ऑफ माइंड मन दा सुख देखे कितने बस उन्हें दूजा शब्द नहीं कहा चरना ते टिक पिया कहिंदा पूरा है तू हजूर ने चिनग ला दिती आप जी नूं पता होवे मेरे वीर बैठे आ विद्वान भाई मनसुख पहला लिखारी है जिन्हें गुरु नानक साहब दे शब्द लिखे बाणी लिखी उन्हें हजूर की कहिंदा मन दा सुख है तेरे को बस उत्थे रो पिया कहिंदा दाता तन दी हर सुख सहूलत मेरे को गुरु साहब कहिंदे आ मन दा सुख नाम तो बिना नहीं प्रभ जी को नाम जपत मन चैन मन दा चैन नाम चुकोर कई दिन रहा। मैं गल थोड़ी संखेप करा विसरे ना याद बहुत कोई दिन दी जदों तुर पिया हजूर नूं कहिंदा दाता मैं चलना शब्द लिख के लै गया सतगुरु कहिंदे रोज पाठ करी जो महाराज ने उस वक्त संदेश दिता सत नाम दा उपदेश दिता हजूर कहिंदे मैं आवांगा लाहौर महाराज गए जी शब्द लिखिया लाहौर शहर जहर कैर सवा पैर महाराज गए उत्थे बाबर दे हमला भी हुए दो भी गए चला गया चिंगारी ला दिती गुरु साहब ने ते दूरी आपे बना दिती क्योंकि दूरी बैराग नूं जन्म दिंदी है। गुरु अर्जुन देव नूं क्यों भेजिया लाहौर कि दसन वास्ते सिखो शरीरक दौरी दूरी हो जाए अंदर दियां तनावां कसियां होण ते लाहौर भी नीर वगदा रहिंदा दूरी बैराग नूं जन्म दिंदी। चले गए घर गुरु साहब की याद ते इहो जिहा बैराग होया
एक दिन मन ने कहा जे हजूर आउणगे रोज रावी दे किनारे आ जांदा ते बेड़ियां लगदियां सन पुल तां है नहीं सन कश्ती चो पूर आउंदा लोक निकलदे ने ते मलाहां नूं कहिंदा मेरा गुरु नानक साहिब नहीं आया सवेरे आ जाना बेड़ी उतरनी लोक उतरने घरां नूं चले जाने कई दिन हो गए आउंदा अखां भर के वापस चला जांदा है एक दिन किसी मलाह ने कह दिता सियाणा वपारी है कम छड़ के रोज आ बैठना है रोज पूरा दे पूर आउंदे ने एक एक बंदे दे फेस नूं चेहरे नूं देखना है जिन्हों तू लभना नहीं आया क्यों इन्ने दिन गवा लै तू कहिंदा नहीं गवाए नहीं ओ नहीं आया उहदी याद तां आई ना बस विसरिया नहीं उहदी याद आई साचे वी याद विच ही तां गुरु वरता है याद विच ही तां रब वरता है कहिंदा प्यारा नहीं आया पर प्यारे दी याद आई ते इसे नूं गुरु ने कहा सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला तू अजे आया नहीं पर तेरी सोए नाल ही खेड़ा आ गया याद नाल ही सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपदड़ी लाली पंत जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली गुरु नानक साहिब पहली गल सानू जो रब दे दर तो मंगदे आ कि सबना जीना का एक दाता विसर ना जाए विसरन का संबंध साडे चित नाल ओ ताई नहीं विसरेगा जे रोज नूं याद करांगे।